ब्रेकिंग न्यूज, बहुत ही बड़ी खबर देवघर से आई है। झारखंड के देवघर में कांवड़ यात्रा और मेले की कोर्ट ने नहीं दी इजाजत। झारखंड, बिहार, यूपी सहित अन्य सभी राज्यों में लगी रोक कांवड़ यात्रा पर। तो दोस्तों, इससे जुड़ी तमाम जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन रोजगार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस अभी कर दें। इस चैनल के माध्यम से आपको आने वाली सभी यात्राओं जैसे कि अमरनाथ यात्रा, कुंभ यात्रा, बाकी सभी यात्राओं की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहेंगी। तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकें और उन्हें सारी जानकारी समय समय पर मिल सके। और साथ ही साथ आप ये भी बताइए, अगर इस साल कांवड़ यात्रा होती तो आप अपने निवास स्थान से किस जगह पर कांवड़ यात्रा ले जाना पसंद करते, हमारे साथ जरूर शेयर करें ताकि सभी श्रद्धालु को इसकी जानकारी हो सके। तो चलिए गाइस, वीडियो में ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको देते हैं पूरी और सही जानकारी। देवघर के बैद्यनाथ मंदिर और बसुकीनाथ में इस बार कांवड़ यात्रा और सावन मेले के आयोजन की झारखंड हाईकोर्ट ने इजाजत नहीं दी है। कोर्ट ने सरकार को लोगों की धार्मिक आस्था को देखते हुए इन मंदिरों में होने वाली पूजा का भक्तों को ऑनलाइन दर्शन कराने की व्यवस्था करने का निर्देश दिए हैं। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने शुक्रवार को सांसद निशिकांत दुबे की याचिका पर फैसला सुनाते हुए ये निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही याचिका निष्पादित कर दी गई है। साथ ही साथ आपको बताते चले, कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए यूपी सरकार ने पूरे राज्य में 55 घंटे का लॉकडाउन लगा दिया है। कांवड़ यात्रा रद्द कर देने के बाद कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य सरकार का मानना है कि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी बरकरार है। कांवड़ यात्रा और मेले के आयोजन से स्थिति बिगड़ सकती है, ऐसे में इतने बड़े आयोजन की अनुमति देना उचित नहीं होगा। अदालत ने कहा कि बिहार, उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों में भी कांवड़ यात्रा पर इस बार रोक लगाई गई है। ऐसे में देवघर और बसुकीनाथ में कांवड़ यात्रा और मेले का आयोजन की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसके पूर्व अदालत ने सुनवाई करते हुए आपदा प्रबंधक विभाग के सचिव को तलब किया और उनसे स्थिति की जानकारी देने को कहा है। सचिव ऑनलाइन हाजिर हुए और अदालत को जानकारी देते हुए कहा कि झारखंड में स्थिति ठीक नहीं है। राज्य सरकार ने धार्मिक स्थल, स्कूल, कॉलेज, शिक्षा संस्थान को बंद रखने का निर्णय लिया है। भीड़ ना हो इसके लिए मॉल और मल्टीप्लेक्स को भी खोलने की अनुमति नहीं दी है। ऐसे में श्रावणी मेले और कांवड़ यात्रा की छूट भी नहीं दी जा सकती है। न्यायालय की गरिमा का ख्याल रखते हुए मामले की सुनवाई शुरू होते ही बैद्यनाथ धाम मंदिर में कांवड़ यात्रा नहीं होने देने के सरकार के बयान पर चीफ जस्टिस ने नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने महाधिवक्ता से कहा कि जब मामला कोर्ट में लंबित हो और सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया है तो इस तरह की बात कहना उचित नहीं है। सरकार में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग जब ऐसा करेंगे तो इससे न्यायालय की गरिमा को चोट पहुंचती है। हर किसी को न्यायालय की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। सभी संवैधानिक संस्थाओं की अपनी गरिमा होती है, इसका सभी को ख्याल रखना होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बस यही जानकारी देनी थी कि देवघर में भी अब कांवड़ यात्रा पर पूरी तरह से रोक लग गई है। ना तो श्रावणी मेला होगा और ना ही देवघर में कोई यात्रा कर सकता है, कांवड़ लेकर जा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस आपको यही जानकारी देनी थी। आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर करें ताकि सभी भक्तों को इसकी जानकारी हो सके। और साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन रोजगार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस अभी कर दें, जिससे आपको आने वाले समय में सभी यात्राओं की जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी और सभी श्रद्धालु अपनी आस्था पूर्ण कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए। तो अब दीजिए इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय।